ये बात खुल के आई है कि किसी भी लड़के को उठा लेना था। लोग ऐसा बताते हैं कि किडनैपिंग का प्लान 1 से 2 दिन पहले बना, ठीक है, कि जो भी लड़का उठेगा तो आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपीज़ देना किसी फिरौती में किसी के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। पटना के ही उन लोग के द्वारा एक गिरोह बनाकर ऐसा किया गया था। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ मैं हूं तनुज मासूम। पटना पुलिस ने आज एक ऐसे अपहरण कांड का उद्भेदन किया है जिसमें अपराधी को ये तक नहीं पता था कि अपहरण किसका करना है, फिरौती की रकम कितनी मांगनी है। रैंसम 7 स्टूडेंट पढ़ने वाले जो पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं अचानक से अपहरण करने की योजना बनाते हैं और पटना में एग्ज़ाम देने आए बक्सर के एक युवक मनीष कुमार नामक युवक की अचानक से अपहरण कर मोतिहारी लेकर चले जाते हैं। अपहरणकर्ता ये तक नहीं जानते थे कि अपहरण पहले से इनकी प्लानिंग नहीं थी कि किसका अपहरण करना है, फिरौती की रकम कितनी मांगनी है। वो सारा कुछ इस पर डिपेंड करता था कि जिसका वो अपहरण कर रहे थे वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है। मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से आता होता तो ज़्यादा रकम की फिरौती मांगी जाती, अगर कमज़ोर फैमिली बैकग्राउंड से आता तो उसे मुफ्त में भी छोड़ा जा सकता था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है और लड़का जो मनीष है उसका अपहरण पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से किया गया था। पटना में एग्ज़ाम देने आया था मनीष कुमार बक्सर से। इस मामले का उद्भेदन करते हुए पटना SSP क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 9 तारीख की घटना है, 9:30 बजे रात में हम लोग के वायरलेस से फ्लैश हुआ था एक इन्फॉर्मेशन कि एक लाल रंग की गाड़ी से एक नवयुवक को कुछ लोग बिठा के लेके चले गए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुआ था। और उसके बाद जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उस नवयुवक का दोस्त जो था उसने घटना का ब्यौरा दिया। उसने बताया कि कुछ लड़के थे, लाल रंग की गाड़ी थी, वो उतरे गाड़ी से, इन दोनों को पीटा और इसके एक दोस्त को जो तथाकथित अपहृत है उसको लेकर चले गए। यही वेग सा इन्फॉर्मेशन था, इसको लेकर हम लोगों ने एक मिसिंग का FIR किया 363-365 में और उसके बाद अनुसंधान जारी रहा। अनुसंधान में पता चला कि जो विक्टिम है वो बक्सर का रहने वाला है, IIT का छात्र है, IIT का एग्ज़ाम देने उस दिन आया था। पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में उसका सेंटर का लोकेशन था, सुबह ही आया था वो बक्सर से और शाम में लौट जाना था। बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड का छात्र था, उसके फादर पैक्स अध्यक्ष हैं चौसा में, बक्सर में। और उसके बाद किसी तरह का फ़ोन, किसी तरह का फिरौती, किसी तरह का कोई क्लू क्राइम से नहीं मिल रहा था। जो विक्टिम का दोस्त था, जो घटनास्थल का एकमात्र चक्षुर्थी आई विटनेस था, उसके पास भी कोई दुश्मनी, किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का राइवलरी का के ऊपर उसने प्रकाश नहीं डाला। केस बिल्कुल ब्लाइंड था। आप लोगों से पहले ही बात हुई थी तो उन्होंने आप लोगों को बताया था कि इसमें टेक्निकली अभी कोई एविडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जब अनुसंधान हुआ तो ये बात में निकल के आया कि ये प्योर किडनैपिंग का केस था और कुछ नौजवान हैं पटना के ही, उन लोग के द्वारा एक गिरोह बनाकर ऐसा किया गया था। उनमें से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, सब लोग पटना में रहकर पढ़ते हैं, उनका बिलोंगिंगनेस कुछ लोगों का मोतिहारी से है, कुछ का पटना से है, कुछ का अन्य जिलों से है। उन लोगों ने वो लाल रंग की स्विफ्ट गाड़ी हायर की थी और उस गाड़ी को हायर करके इस अपराध को अंजाम दिया था। प्लान ये था कि किसी भी लड़के को उठा लेना है, तो संयोग से ये लड़का उठा। और उसके बाद था कि उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करेंगे, किस लायक वो लड़का है, उस हिसाब से पैसा मांगेंगे। तो अनुसंधान में सारी बातें आईं, हम लोगों ने पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि अपहृत को इन लोगों ने मोतिहारी में रखा है। और फिर मोतिहारी टीम निकली और वहाँ से फिर अपहृत को बरामद किया। अपहृत की निगरानी में वहाँ पर 5 लड़के और थे। उसके बाद इन लोगों का एक और सहयोगी पटना से ही और गिरफ्तार हुआ, टोटल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों के साथ अभी और 2 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तारी बाकी है, उसके लिए प्रयास चल रहा है। ये प्योर किडनैपिंग का केस था, हालांकि रैंसम नहीं मांगा गया, इंटेंशन उसका ही था, तो चार्जशीट हम लोग उसी में करेंगे। सभी क्रिमिनल्स फर्स्ट टाइमर्स हैं लेकिन एडल्ट हैं और इनमें से एक अंकित कुमार का आपराधिक इतिहास है, जो कि शास्त्री नगर से नवंबर महीने में एक मार झड़े केस में जेल गया है। और एक राहुल कुमार उर्फ चर्सी है, ये बेतिया का रहने वाला है, इसका बेतिया के कालीबाग थाना में मार झड़े का ही केस है।
कोई बहुत क्रिमिनल एंटीसीडेंट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस जघन्य घटना को जाने अनजाने में अंजाम दिया है। तो हम लोगों ने जो भी एविडेंसेस आए हैं इसके आधार पर हम लोग इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। इस केस में लड़का सकुशल बरामद हो गया है और किसी तरह की फिरौती की लेन देन नहीं हुई है। ये एकदम ब्लाइंड केस था और हम लोग की जो टीम है, टेक्निकल टीम, उन लोगों ने बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही कमेंडेबल काम किया। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि विदाउट एनी क्लू अचानक से कुछ लीड मिलता है और डिटेक्ट हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। मोतिहारी में ये लोग कहाँ रखे थे? मोतिहारी में एक बंजरिया थाना है, उस क्षेत्र में रखा गया था और वहाँ से इसको रिकवर किया गया है। लोकल थाने को सूचना दी गई। नहीं नहीं, गाड़ी अभी एक नया वो आया स्कीम, कौन सा है वो? जूम कार। उसमें गाड़ी आप हायर कर लेते हैं, आप ही ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो गाड़ी बरामद हो गई, इनफैक्ट वो गाड़ी बाद में इन्होंने क्राइम के बाद वापस भी कर दी थी, और गाड़ी उसके बाद कुछ लोग औरों ने भी हायर की है, तो उसका एविडेंस है। जिसने हायर किया था वो अपराधी पकड़ा गया है। तो गाड़ी भी सीज की है? गाड़ी सीज हो गई। सर ये पूरा किडनैपिंग जो रणनीति बनाया गया था, आखिर क्यों बनाया गया था? पैसा मांगने के लिए था, लेकिन पैसा नहीं। जैसे मैंने बताया आपको, टेक्निकली किडनैपिंग फॉर रैंसम केस था ये, और चूंकि ये लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, और कहाँ से इन लोगों को मोटिवेशन मिला, कहाँ से ये लोग इंस्पायर हुए, ये जाँच का विषय हम लोग बातचीत इनसे करेंगे। लेकिन इन लोगों का प्लान ये था कि कुछ दिनों तक रखेंगे, सब नए लड़के हैं, और देखेंगे कि पुलिस की क्या गतिविधि है। उस हिसाब से इन्होंने ये तक नहीं डिसाइड किया था कितना मांगना है। इट वाज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड ऑफ द विक्टिम। अगर विक्टिम बहुत बड़ा, ये भी था कि अगर विक्टिम अगर कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का आ जाए, बहुत सीधा साधा आ जाए, तो उसको छोड़ भी देंगे। लेकिन ये लड़का जो है, इससे इन लोगों को पैसा मांगना था, ये तय हो गया था। अभी हम लोग अगर जिस दिन ब्रेकथ्रू नहीं मिला तो अगले दो दिन बाद ये लोग फिरौती मांगने वाले थे, जैसा इन लोग बता रहे। ये लोग कहते हैं कि 5 से 10 मांगते, लेकिन चूंकि मांगा नहीं गया है तो वो मैटर है नहीं, लेकिन इंटेंशन उसका है स्पष्ट, इन्होंने बताया। विक्टिम का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कहां से निकले गाड़ी लेकर, तो या फिर इसी को कैसे जाने? मैंने आपको बताया, इन लोगों से जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें ये बात खुल के आई है कि किसी भी लड़के को उठा लेना था। ये सभी लड़के जो हैं, सभी मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल लड़के हैं, फैमिली के नियंत्रण से बाहर हैं, पढ़ने के नाम पर पटना में हैं, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग एल्स अदर देन पढ़ाई। सभी स्टूडेंट हैं। पटना पाटलिपुत्र के आसपास ही क्या था उस दिन? कुछ लोग आपके NIT की तरफ जो लॉज है वहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग आपके पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं, कुछ लोग आनंदपुरी के रहने वाले हैं, कुछ लोग बेतिया में ही रहते हैं। तो इस तरह का ग्रुप है इन लोगों का। इसका सरगना कौन है, गिरोह इसका कौन है? ऐसा कुछ सरगना नहीं है। अगर आप माना जाए तो सबसे पहले दो लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, एक अंकित था, दूसरा कौन था? संजीत। तो और उन्हीं लोगों से पूरा प्लान क्लियर हुआ था, ऐसे माना जा सकता है ये लोग सरगना थे। बट एवरीवन वाज इक्वली इन्वॉल्व्ड। जिस दिन किडनैपिंग हुई है उस दिन गाड़ी में 6 लोग थे और उसके साथ लड़का गया है। 7 लोग। हाँ, बाकी के वहाँ पे जो लड़के हैं उनको रखने के लिए रखा गया था। पहले भी सभी स्टूडेंट हैं सर, किसी यूनिवर्सिटी से भी हैं क्या? सभी मित्र हैं एक दूसरे के? हैं तो स्टूडेंट, जो इसी एज ग्रुप के ये लोग हैं, है तो स्टूडेंट, लेकिन मित्र एजुकेशन के बैकग्राउंड से नहीं है। मित्र ऐसे घूमने की वजह से हैं, मतलब कि लोकल एरिया में मिलने की वजह से हैं। पटना में कहाँ, किस कॉलेज में पढ़ाई करते थे ये लोग? अभी वो डिटेल मेरे पास नहीं है। इनका क्राइम प्रोफाइल पहले का भी कुछ है? मैंने आपको बताया कोई ऐसा बहुत ही जघन्य अपराधी के इतिहास इन लोगों का नहीं रहा है। अभी लोग इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है ये जांच का विषय है। पहले ये लोग डायरेक्ट उसी स्थान पे गए थे या कहीं और भी गए थे? ये लोग ऐसा बताते हैं कि किडनैपिंग का प्लान 1 से 2 दिन पहले बना, ठीक है, लेकिन इस पर और पूछताछ होगी तो और डिटेल निकलेगा। इनका कहना था कि हमने जूम कर एक दिन पहले ही लिया था, 7 तारीख से लिया हुआ है ना सर, और किसी को भी उठा लेंगे। अब वो एरिया चूंकि पौश इलाका है तो इन लोग के मन में ऐसा आया हो सकता है, जो हम लोग अभी कयास लगा रहे हैं, हालांकि कयासों पे बयान नहीं देना चाहिए, कि जो भी लड़का उठेगा तो आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपीज़ देना किसी फिरौती में किसी के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर फिरौती मांग भी दी जाती तो ये जो विक्टिम के फादर हैं इतना दे सकते थे, जैसा इनसे बात में हम लोग को पता चला। लेकिन हम लोग को संयोग से बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला और इस केस को हम लोगों ने डिटेक्ट किया और लगभग सभी अपराधी पकड़े ही गए हैं, और जो दो शेष बचे हैं उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ मिला कि क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई भी कैसा मतलब कोई फायर आर्म्स नहीं मिला, किसी तरह की मारपीट नहीं है। और ये भी इनका इंटेंशन क्लियर था, जैसा इन्होंने बताया कि लड़के को किसी तरह हार्म नहीं पहुंचाना है।
तो अगेन मतलब कि मैं यही बताऊंगा कि अभी और इन लोगों से डिटेल से पूछताछ होगी तो पता चलेगा। एक सवाल है सर, मोतिहारी उसी वहाँ एक लॉज है, वहाँ लॉज में रखा गया था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि इनको बांध के रखा गया था। हाँ, निगरानी में दो तीन लड़के थे। मोतिहारी उसी गाड़ी से गए थे या गाड़ी चेंज किया? सेम गाड़ी से गए थे। फिर मोतिहारी से गाड़ी भी रिटर्न कर दिया? हाँ, चूंकि वो जूम करी गाड़ी थी तो रिटर्न करना पड़ा। लॉज की किसका था सर, किराए पे रखे? नहीं, स्टूडेंट जो है यही लोग अपने नाम पे लिए हुए थे। और भी कुछ इनके साथ जो है पटना में इस तरह के अपराधी घूम रहे हैं क्या? क्योंकि वो और जो नहीं मिले हैं, हो सकता है कहीं नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग स्टेजेस पे केसेस हैं और उसमें ऐसी बात अभी नहीं आई है इस तरह की बात। गाड़ी रिटर्न कब की थी? दस नहीं, वहाँ से जो छोड़ के आया है 9 तारीख को शाम में छोड़ दिया, रात में 10 को लौटा है। और फिर यहाँ से कितनी टीम गई थी सर मोतिहारी? एक ही टीम गई। इस लड़के ने 11:05 को उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। एक्चुअली मैं हम लोगों को ब्रेक थ्रू वहीं से मिल गया। हाँ, वहीं से मिला ब्रेक थ्रू। और वो एक कॉल आया था, रैंडम कॉल आया था, एक रैंडम कॉल आया था और वो मतलब कि अपहृत लोगों का ही मोबाइल था, मतलब अपहरणकर्ताओं का ही मोबाइल था। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।